हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम छठ पूजा के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये है ठेकुआ, लेकिन बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगे विदाउट ऑयल। तो इसके लिए मैंने मिश्री ले लिया है, हाफ बोल से थोड़ा सा ज़्यादा। इसमें गर्म पानी डालेंगे और इसे ना मेल्ट होने के लिए छोड़ेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है। मैंने लिया है एक बोल मैदा और दो बोल मैंने आटा लिया है। एक मैंने सूखा नारियल लिया है, उसे मिक्सी में क्रश करके डाला है। इसमें डाला है कुछ किशमिश और डाला है मैंने ढेर सारा ऑयल, हाफ बोल से ज़्यादा है। आप चाहो तो घी डाल सकते हो। अच्छे से इसमें मयाम लगाएंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अदरवाइज हमारी जो ठेकुआ है वो एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो देखिए, ऐसे मुट्ठी में आनी चाहिए। आटा जब ऐसे शेप पकड़ने लगेगा तभी पता चलेगा कि हमारा आटा एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम मिश्री वाला पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा नहीं डालना है। आप यहाँ पर शुगर या फिर गुड़ का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए, इसे हमें एकदम टाइट गूंदना होगा, सॉफ्ट डो हमें नहीं बनाना है, बस इसे नॉर्मली हमें कंबाइन करना होगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके मिश्री वाला पानी डालेंगे और देखिए हमारा डो रेडी है। अब इसे 10 मिनट के लिए ना सेट होने के लिए छोड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है, अगर टाइट हम नहीं बनाएंगे तो हमारा ठेकुआ ना क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब हम शेप बनाएंगे, मेरे पास कोई भी मोल्ड नहीं है, मैं बस नाइफ और फोक की मदद से ही इसे शेप दे दूंगी। मैंने इसे लंबा शेप दिया है, आप चाहो तो राउंड या फिर स्क्वायर कर सकते हो। देखिए, मैं रैंडमली ऐसे कट्स लगाऊंगी नाइफ से या फिर फोक से और बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनके रेडी हो जाएंगे। मैंने सारा का सारा बना लिया है, देखिए कितना खूबसूरत है ना। आप चाहो तो नॉर्मली इसे डीप फ्राई कर सकते हो ऑयल में, ठीक वजह से बनती है, लेकिन मैं इसे आज एयर फ्रायर में बनाऊंगी, बहुत ही इजिली और ऑयल फ्री बनाऊंगी। आप चाहो तो इसे बेक भी कर सकते हो। तो मैंने एयर फ्रायर का टेम्परेचर रखा है 180 डिग्री में, 2 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया। अब इसमें मैं ठेकुआ रखूंगी, बहुत ज़्यादा पास पास नहीं रखना है, थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे क्योंकि ये बाद में ना फूलेगी और अच्छे से ये क्रिस्पी भी बन जाएगी। तो इसे बेक करने के लिए हम 180 डिग्री में पहले 10 मिनट्स के लिए इसे डालेंगे, फिर 10 मिनट्स बाद इसे निकालेंगे और इसे अच्छे से फ्लिप करेंगे। अब इसे 180 डिग्री में फिर से 5 मिनट के लिए हमें एयर फ्राई करना होगा। तो देखिए, हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी ठेकुआ बनके रेडी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा यमी भी बना है। अब से आप गिल्ट फ्री होके ठेकुआ बनाइए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।